हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू संस्कृति के आधार स्तंभ गो गंगा और गायत्री हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं से हमारे धर्म का आधार है, और इन्हीं धर्म के प्रतीकों की रक्षा के लिए चाहे वो राजस्थान हो चाहे भारत हो, अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपने धर्म की रक्षा की है, और अपने इन धर्म की रक्षा के कारण ही आज हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने भी अपने प्राण दिए हैं उनका इतिहास आज स्वर्णिम है, उनके द्वारा किए गए कार्य आज अमिट अमर अक्षरों से इतिहास में दर्ज है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा हम कर रहे थे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा के इसी श्रृंखला में आज हम जो बात करेंगे वो भी ऐसे एक लोक देवता की बात करेंगे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, तथा वे गोरक्षक कहना है। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे प्रमुख लोक देवता हैं बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर जिनका महत्व पश्चिमी राजस्थान तो में तो मुख्य रूप से इन्हें माना जाता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अलावा भी ये पूरे भारत में गायों के रक्षा के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं तथा इनका सम्मान किया जाता है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, गुजरात में भी इनको मानने वाले बहुत से लोग आज भी इनकी पूजा अर्चना और इनके मंदिरों पर प्रतिवर्ष आते हैं। सो आज हम बात करेंगे बाबूजी राठौर की। बाबूजी राठौर भी एक योद्धा थे, एक वीर थे। उन्होंने भी अपने जीवन में एक ही लक्ष्य माना, और वो माना कि धर्म की रक्षा, गायों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा। और जब भी किसी निर्बल पर अत्याचार होता था तो वे उस अत्याचार का प्रत्युत्तर देते थे तथा उसकी रक्षा करते थे। और भारत में तो हमेशा से कहा गया है कि अपनी शरण में आए हुए को हमेशा उसका पालन करना चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। शरणागत वत्सल के रूप में हमारे देश में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो राजा शिवी का उदाहरण हो, चाहे रणथंभौर के महान शासक राणा हमीर का शरणागत के लिए अपने प्राणों का देने का एक स्वर्णिम उदाहरण हो, या बाबूजी राठौर का हो। बाबूजी राठौर के इतिहास की बात करें, उनकी जीवनी की बात करें अगर हम, तो बाबूजी राठौर भगवान राम के भाई लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे, तथा ये राव सिहा के वंशज थे। राव सिहा जो राठौर शासक था उन्हीं के वंशज होने के कारण ये बाबूजी राठौर कहलाए। इनका जन्म कोलमुंडो गांव जोधपुर में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में कोलमुंडो गांव जोधपुर में हुआ था, तथा ये जन्म से ही, ये शिशु अवस्था से ही इनका गायों के प्रति रुझान बहुत ज्यादा था, तथा ये अपने धर्म को विशेष महत्व देते थे। इनकी माता का नाम कमल दे था तथा पिता का नाम था धादल देव राठौर। ये जो था इनका पारिवारिक परिचय। अब इनके जीवन में कुछ ऐसे किस्से होते हैं, एक ऐसी कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, या हम उन्हें चमत्कार कह सकते हैं। उन्हीं चमत्कारों के कारण आज बाबूजी राठौर का सम्मान पूरे राजस्थान के सभी लोग बहुत आदर और बहुत सम्मान से करते हैं। बाबूजी राठौर एक प्रमुख लोक देवता के रूप में हम सभी के लिए पूजनीय है, वंदनीय है तथा निंदनीय है। बाबूजी राठौर का विवाह हुआ था अमरकोट जो पूर्व में जैसलमेर में था, और अभी वर्तमान में वह पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट के एक राजा थे जिनका नाम था सूरज सिंह, और सूरज सिंह की पुत्री थी जिनका सूरज सिंह की पुत्री का नाम था सुप्यारदे। सुप्यारदे के साथ बाबूजी राठौर का ब्याह होता है। इस ब्याह से पहले एक ऐसी प्रमुख घटना मिलती है जिसका सर्वाधिक महत्व बाबूजी राठौर तथा उनके उनसे जुड़े हुए चमत्कारों पर विशेष पड़ता है। बाबूजी राठौर की एक बहन होती है जिनका विवाह जिंदराव खिची के साथ होता है, और जिंदराव खिची जो होते हैं वो जायल के जागीरदार होते हैं। जायल वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है।
जिंदराज खींची अर्थात बाबूजी राठौर के बहनों ही होते हैं रिश्ते में। और एक दिन ऐसा होता है कि जो बाबूजी राठौर का जो पैतृक गांव है होता है कोलमुंड जोधपुर, उस कोलमुंड गांव के अंदर एक बाबूजी राठौर के ही परिवार के पास में, घर के पास में एक पड़ोसी होती है जिसका नाम होता है देवल, और वह चारण होती है इसलिए उसका पूरा नाम होता है देवल चारणी। उसके पास एक घोड़ी होती है, उस घोड़ी का नाम होता है केसर कालमी घोड़ी। वो घोड़ी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही प्रसिद्ध होती है, वो पूरे आसपास के क्षेत्र में पूरे मालवाड़ में उस घोड़ी की बहुत प्रसिद्धि फैल गई होती है। लोग 50-50 कोस से चलकर उस घोड़ी को देखने के लिए आते थे। एक दिन बाबूजी राठौर का बहनोई जायल का जागीरदार जिंदराव खींची जब अपने ससुराल पहुंचा कोलुमंड में, और जब बाबूजी राठौर ने उनकी आवभगत की और स्वागत किया, और शाम के समय जब वो गांव में टहलने के लिए निकले तब उनके बहनों की नजर उस घोड़ी पर पड़ती है, देवर चारने की घोड़ी पर, और उस घोड़ी का नाम होता है केसर कालमी। वो घोड़ी बहुत सुंदर थी और पहली नजर के अंदर जिंदराव खींची को पसंद आ जाती है। जिंदराव खींची अपने साले साहब बाबूजी राठौर से कहते हैं कि ये घोड़ी मुझे चाहिए, और इसी महत्वाकांक्षा को लेकर वो देवल चारणी के पास जाते हैं और जाकर उस घोड़ी को लेने का प्रयास करते हैं। देवल चारणी से कहते हैं कि ये घोड़ी आप हमें दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो चाहिए हाथी घोड़े स्वर्ण मुद्रा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन देवल चारणी उस घोड़ी को देने से उन्हें मना कर देती है। जिंदराव खींची भी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं घोड़ी तो मुझे चाहिए, और वो भी मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, और उनके बीच में इसी बात को लेकर मतभेद शुरू हो जाता है। उस समय तो बाबूजी राठौर अपने बहनोई को जैसे जैसे समझाकर उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं, लेकिन उनके बहनोई उनसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं इस घर में पांव नहीं रखूंगा, और आज के बाद मैं कभी मेरे ससुराल में नहीं आऊंगा। और वे वहां से नाराज होकर रुष्ट होकर अपने घर अपनी रियासत जायल नागौर में चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात बाबूजी राठौर के लिए विवाह का रिश्ता आता है अमरकोट के सुजान सिंह की बेटी सुप्या देवी। जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो बाबूजी राठौर सोचते हैं कि मैं विवाह करने जाऊं इससे पहले मेरे रिश्तेदार को भी मुझे लेकर जाना पड़ेगा, और इसी के तहत वह अपने बहनोई को भी पत्र लिखते हैं, और बहनोई को पत्र लिखकर अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण देते हैं, और अपने एक दूत के साथ उस पत्र को लेकर जायल नागौर में भेजते हैं। जब वह दूत उनका पत्र लेकर उनके बहनोई के वहां जाता है तो बहनोई उस केसर कालमी घोड़ी की विवाह को लेकर इतने नाराज होते हैं कि वह गुस्से में आकर उस दूत का वध कर देते हैं। जब उस दूत का वध हो जाता है और यह खबर बाबूजी राठौर को मिलती है तो बाबूजी राठौर बिना अपने बहनोई के ही विवाह करने के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। जब विवाह करने को जाने के लिए जैसे ही वह निकलते हैं तो उनके गांव में वो पड़ोसी जिसके पास केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी वो आती है और बाबूजी राठौर को कहती है कि तुम बहुत दूर जा रहे हो विवाह करने, और विवाह जीवन में एक बार होता है इसलिए एक काम करो आप मेरी ये घोड़ी ले जाओ केसर कालमी घोड़ी, और इस पर बैठकर तुम जाओ और विवाह करके आना। यह सोचकर देवल चारणी अपनी प्रिय घोड़ी केसर कालमी बाबूजी राठौर को दे देती है। इसके बाद क्या होता है कि जब यह खबर बाबूजी राठौर के बहनोई जिंदराव खींची को के पास पहुंचती है तो वो सोचता है कि उस केसर कालमी घोड़ी जो देवल चारणी ने मुझे नहीं दी और मेरे साले को दे दी, और इस बात से वो बहुत नाराज हो जाता है और उसके अंदर आग बबूला होकर उसके अंदर बदले की भावना जागृत हो जाती है। इधर बाबूजी राठौर कोलुमंड जोधपुर से अमरकोट के लिए निकल जाते हैं विवाह करने के लिए, और जिंदराव खींची इधर उस कोलुमंड गांव पर आक्रमण कर देता है और देवल चारणी की सारी गाय को लेकर वो चला जाता है, और जाते जाते उसे कहकर जाता है कि बाबूजी राठौर को वो केसर कालमी घोड़ी लेकर नागौर भेज देना और अपनी गाय आकर ले जाना। जब देवल चारणी पर इस प्रकार का अत्याचार होता है तब वह देवल चारणी भी एक अन्य घोड़े पर बैठकर अमरकोट के लिए निकल जाती है, अमरकोट जहां पर बाबूजी राठौर का विवाह होता है। बाबूजी राठौर
निश्चित समय पर अमरकोट पहुंच जाते हैं और विवाह करने लगते हैं। वह विवाह के मंडप में ही बैठे होते हैं और अपनी पत्नी के साथ फेरे लेते हैं और चार फेरे पूरे हो जाते हैं। चार फेरे पूरे हो जाते हैं तभी वो देवल चारणी वहां पहुंच जाती है और पहुंच के मंडप के अंदर ही शादी रुकवा कर और बाबूजी राठौर और उन दोनों के मध्य संवाद होता है और वो पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार उसके बहनोई ने कोलुमंड गांव पर आक्रमण किया और गायों को उठाकर ले गया और धमकी देकर गया है कि बाबूजी राठौर को केसर कालमी घोड़ी के साथ भेजो और अपनी गाय ले जाओ। तब बाबूजी राठौर कहते हैं कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मेरा ये विवाह सात फेरे में पूरे कर लेता हूं, इसके बाद मैं आपकी गाय छुड़ाने के लिए आता हूं। लेकिन देवल चारणी जीत पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, ये शादी बीच में छोड़ो आप और आप अभी मेरे साथ चलो। बाबूजी राठौर भी बहुत समझाते हैं कि थोड़े आधे एक घंटे की प्रतीक्षा करो, नहीं तो मैं आधा ब्याह ही रह जाऊंगा या आधा विवाह ही मेरा हो पाएगा। लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ जाती है। उनकी बाबूजी राठौर की पत्नी सुप्यारदे के पिता सुजान सिंह भी उस देवल चारणी को समझाते हैं कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, प्रतीक्षा करो और तुम उस केसर गाय को छोड़ दो, मैं तुमको हजारों गाय देता हूं, लेकिन कम से कम मेरी बेटी का विवाह होने दो, नहीं तो वह अर्धव्यायी हो जाएगी। लेकिन देवल चारणी नहीं मानती और कहती है कि अगर आप अभी इस समय मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहीं इसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगी। तब बाबूजी राठौर के सामने धर्म संकट हो जाता है कि वह इधर जाए या इधर जाए, लेकिन धर्म सर्वोपरि होता है। इसी विचारधारा को अपनाते हुए बाबूजी राठौड़ कहते हैं वहां बैठे हुए राजपुरोहित और पंडित जी से कि चार फेरे में ही मैं विवाह के बंधन में बंध गया हूं और विवाह का जो बंधन होता है वो जन्मों जन्मों का होता है, वो ऊपर भगवान के आशीर्वाद से होता है, इसलिए चार फेरों में ही मेरा विवाह संपन्न हुआ। और यह कहकर वह केसर कलमी घोड़ी के ऊपर बैठकर देवल चारणी को कहते हैं कि तुम पीछे पीछे धीरे धीरे आओ और मैं जाके तुम्हारी गाय छुड़वाता हूं। और बाबूजी राठौड़ अमरकोट से केसर कालमी घोड़ी के ऊपर बैठकर जहाज नागौर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ उनके तीन सहयोगी होते हैं जिनका नाम होता है चंदा, डेरा और हरमल। ये तीनों भी बाबूजी राठौड़ के साथ पीछे पीछे चलते हैं। और जब बाबूजी राठौड़ और उनके बहनों जिंदराव खिची का आमना सामना होता है तो भीषण युद्ध होता है और भीषण युद्ध के अंदर बाबूजी राठौर उन देवल चारणी की गाय को छुड़ा देते हैं, लेकिन वे अपने सहयोगियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये मिलता है राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण जो गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह को छोड़ दिया, लेकिन गायों की रक्षा अपने धर्म को सर्वोपरि मानकर गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे बाबूजी राठौर राजस्थान में लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। बाबूजी राठौर के और अन्य कार्यों की अगर बात करें या उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने किस्सों की बात करें तो गायों की रक्षा के लिए तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी के साथ उनका एक विशेष महत्व माना जाता है राजस्थान में और मुख्य तौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर, कि भारत राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बाबूजी राठौड़ ऐसे थे जो सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश से ऊंट लाए और ऊंट लाकर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख जातियां रायका और रेवाड़ी को लाकर ऊंट दिया। जब रायका और रेवाड़ी जाति के लोगों को उन्होंने ऊंट लाकर दिया, इसी के कारण आज भी रायका और रेवाड़ी जाति उन्हें अपने आराध्य देवता के रूप में मानती है, उनकी पूजा अर्चना करती है। आज भी राजस्थान के अंदर जब भी कोई ऊंट बीमार पड़ जाता है तो उस ऊंट को स्वस्थ करने के लिए बाबूजी राठौड़ के नाम का धागा बांधा जाता है तथा उनके मंत्रों को पढ़ा जाता है जिससे ऊंट जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार गोगज चौहान राजस्थान के अंदर सांपों के देवता के रूप में सुप्रसिद्ध थे, उसी प्रकार बाबूजी राठौड़ राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता के रूप में बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं। बाबूजी राठौड़ भी पंच पीरों में आते हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म के लोग तथा मुस्लिम धर्म के लोग दोनों धर्मों के लोग उनकी पूजा करते हैं। मुसलमान जाति के मुसलमान संप्रदाय में मेहर जाति के लोग बाबूजी राठौड़ को अपना पीर मानते, अपना देवता मानते हैं। साथ ही
बाबूजी राठौर के जीवन का एक ऐसा किस्सा भी मिलता है कि थ्योरी अर्थात नायक जाति, थ्योरी और नायक जाति जो मूलतः गुजरात की थी, उस समय गुजरात के शासक मुगल जो शासक हुआ करते थे वे उस थ्योरी और नायक जाति के ऊपर आक्रमण करते थे, उन लोगों के बस्तियों को उजाड़ देते थे। तब बाबूजी राठौर ने उनकी भी रक्षा की और उनको राजस्थान में शरण दी। इसी कारण थ्योरी और नायक जाति के लोग भी बाबूजी राठौर को अपना आराध्य देव मानते हैं। यहां तक कि पश्चिमी राजस्थान के जो भील समुदाय के लोग होते हैं, भील जाति के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां थी, सामाजिक जूठे आडंबर थे, उनमें भी बाबूजी राठौर ने सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास किया। इसीलिए भील जाति के लोग, भील समुदाय के लोग भी बाबूजी राठौर को अपना आराध्य मानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। बाबूजी राठौर का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर है कोलुमंड जोधपुर में, जहां उनका जन्म हुआ था वहीं उनका प्रमुख मंदिर है, और वहां पर उनकी एक अश्वरोही प्रतिमा मूर्ति वहां पर स्थापित की है, घोड़े पर सवार उनकी मूर्ति, जिनमें उनकी जो पाग है अर्थात पगड़ी वो बाई और झुकी हुई है, और इसी बाई और झुकी हुई प्रतिमा के कारण यह प्रतिमा पूरे राजस्थान में मुख्य रूप से बहुत प्रसिद्ध है तथा इनका यहां पर प्रमुख स्थान माना गया है। साथ ही बाबूजी राठौर का एक अन्य मंदिर और मिलता है जो राजस्थान के अहड़ उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, वहां पर भी बाबूजी राठौर की पूजा की जाती है तथा प्रतिवर्ष कोलुमंड गांव जोधपुर के अंदर चैत्र अमावस्या को बाबूजी राठौर का विशाल मेला लगता है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूरे राजस्थान के लोग वहां पर आते हैं और बाबूजी राठौर की कथा का वाचन करते हैं। बाबूजी राठौर की जब फड़ का वाचन किया जाता है तो फड़ के वाचन करते समय एक रावण हत्या यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब रात्रिकालीन के अंदर बाबूजी राठौर की आराधना के लिए पावड़े गाए जाते हैं तो उन पावड़े जब गाए जाते हैं, पावड़ों गाए जाते समय माठ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो बाबूजी राठौर एक ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म के प्रति गाय की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बाबूजी राठौर जिनका मुख्य स्थान कोलुमंड गांव जोधपुर में है और प्रतिवर्ष उनका वहां पर मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, और पूरे राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से लोग वहां पर उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं तथा हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। भील तथा रायका रेबाड़ी जाति और थ्योरी और नायक जाति के अंदर तो इनका विशेष महत्व माना जाता है तथा इन्हें अपने आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है तथा ऊंटों के देवता के रूप में इनकी हमेशा पूजा की जाती है। ऐसे लोक देवताओं को मेरा शत-शत नमन, और जब भी अगर आपको समय मिले एक बार अवश्य कोलुमंड गांव जाइए और बाबूजी राठौर की शरण में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।